देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, है ना। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, आप इसे आगे प्रोसीड करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये टैन को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लोगे डी एक्स, आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ भी कॉस एक्स आएगा। अब ये कॉस एक्स होल डिनोमिनेटर हो गया, लेकिन ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला गया, तो फाइनली आपका क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका आप डेरिवेटिव ऊपर अपीयर करा सकते हो। देखिए हम कैसे अपीयर कराते हैं, हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में 1/2 साइन एक्स हम ऐड कर, कॉस एक्स 2 कॉस एक्स को हम कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार साइन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और दूसरी बार साइन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और होल अपॉन आपका क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इतने के नीचे अलग आप रख दीजिए, ठीक है, ये डिनोमिनेटर, तो वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और इसके नीचे जब जाएगा तो वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म बन जाएगी, है ना, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो आप देख लीजिए इसको 1/2 ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ, ये कट के 1 आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन होता है लेकिन प्लस साइन है, और माइनस साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपका मतलब दोनों जगह ही माइनस आ जाएगा। तो क्या करें हम लोग, माइनस एडजस्ट कर लें, माइनस से हम लोग दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब साफ साफ हो गया कि कॉस का माइनस साइन हो गया, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन का माइनस कॉस हो गया, तो नीचे एफ एक्स है तो ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2, 1 का हो गया एक्स और माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट ये हो गया।